आसिन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ वो जानवर मौजूद है, मैं इंसान नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि इसने अपनी हवस की खातिर एक मासूम बच्चे को, पहले इसको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और बाद में जब वो बच्चा इसके हाथ से निकलने लगा तो इसने उसको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए इंसान की शक्ल में वो जानवर मौजूद है हमारे साथ। क्या हुआ था, इसने क्यों ये दरिंदगी ढाई, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद यासीन। पढ़े लिखे हो? जी। कितना पढ़े हो? नहीं सॉरी, मैं नहीं पढ़ा। दीनी तालीम है? दीनी है हमारा, थोड़ा सा है। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हो? नैनसोख। पहले कहाँ गए? पहले मोरखुंडा के रहने था, उधर से फिर इधर नैनसोख आ गए। अच्छा, नैनसोख के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हो? इधर खोती रेडी में फ्रूट बेचते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली रहती है यहाँ पे? जहाँ। कितना कमा लेते हो? ये 500-700 दिन का। हाँ जी। शादीशुदा? जी नहीं। उम्र कितनी है? उम्र 21-22 साल। वालदेन हैं? बहन भाई? जी। कितने बहन भाई हो? हम बहन भाई आ गए हैं 9। अच्छा, 9 बहन भाई हो। भाई कितने? भाई हम 6 हैं। और बहनें? एक। तो 9 कैसे हो गए? 6 भाई हैं ना, एक बहन, 7 हो गए। हाँ जी। तो 9 कैसे हो गए? 9 एक अबू मेरी। तुम पागल हो के जान के करते हो? जी नहीं पागल। ऐसे बच जाओगे? नहीं। उस लड़के से तल्लक कब से था, वो कौन था? वो हमारा मसाया था। अच्छा जी। फिर उसके साथ मैंने गलत काम किया था। हमसाया था या तुम्हारा रिश्तेदार था? रिश्तेदार भी था। क्या लगता था? रिश्तेदार दादों की, दादा जड़ा ना मारा था, उसके रिश्तेदार में था, दादकों में से था तुम्हारे? हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा आना जाना, उठना बैठना था उनके घर में? घर में नहीं जाता था। क्यों? रिश्तेदार में था जी, उधर आते जाते नहीं थे हम। अच्छा, तो उसके साथ उठना बैठना था जी। फिर उसे क्या कहते थे? उसके साथ। अच्छा जी। कितने अरसे से चल रहा था ये सब? थोड़ी देर में चला था, 3-4 दफा। उस दिन मारा क्यों उसे फिर? बस वो नहीं माना था। फिर मैंने गोली लगा दी। गोली मार दी तुमने उसको? तुम्हारे बाप की जागीर थी वो। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल लिया शेरपुर। इसका मतलब तुम पहले से तैयार थे उसको मारने के लिए हैं? जी नहीं। मनसूबाबंदी की हुई थी जो पिस्टल लेने गए थे? जी। कैसे मनसूबाबंदी की? कितने दिन पहले की? 1-2 दिन की बात है। क्यों, वो कई दिनों से नहीं मान रहा था? नहीं, 5-7 दिन हो गए थे। नहीं मान रहा था वो? नहीं मान रहा। तो तुमने मनसूबा बना लिया कि तुमने उसको मार देना है? जी। धमकियां भी दी थी पहले उसको? धमकी नहीं दी थी। अच्छा, उस दिन कहाँ बुलाया, कैसे मारा, मुझे सारा कुछ बताओ, जरा समझ नहीं आई। मैंने उसे बुलाया नहीं था, वो आ रहा था तो उसको मैंने गोली लगा ली। कहाँ मारी थी? सीधा। कहाँ? पेट में। अच्छा जी। कितने का लिया था पिस्टल? पिस्टल दोस्त का था, उसने दिया था। उसने दिया था, क्या क्या लिया था उससे? उसे कहा था मुझे चाहिए। किस लिए? मैं शादी पे जा रहा। अच्छा, तो उसे शादी पिस्तौल लेके जाते हैं, मैंने सुना नहीं वैसे आज तक। उधर से मिला था मुझे। अच्छा जी। शादी पे जाना? जी। पिस्टल शादी पे क्यों लेके जाना था? उधर चलाते हैं, फायर करते हैं। अच्छा। तो सूरत से मासूम और करतूतों से भेड़िया नजर आने वाले इस शख्स की किसी बात पर यकीन करना मेरे बस की बात नहीं। ऐसे भेड़िये के खिलाफ जितने सबूत इकट्ठे कर लिए जाएं कम है। इससे पहले कि मैं इससे करूं मजीद बात, मैं करूंगी इसके इलाके का रुख ताकि इसके मासूम चेहरे से मकारियत का नकाब उठा सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप सब अहले इलाका हैं यहाँ पे? जी जी। आसपास घर हैं? आप लोग फेरे आप दे मोहल्लेदार हैं? अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं तो आप लोगों का इकट्ठा होना, ये मुतहद होना बता रहा है कि आप लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, जुर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, ये शख्स जो यहाँ रहता था, मैं एक एक करके पूछूंगी आप सबसे, ये शख्स जो मुल्ज़िम है यहाँ रहता था, उसने मासूम बच्चे को गोली मार दी, उसे किसी का खौफ नहीं था, इसका किरदार पहले भी क्या ऐसा ही था, ये इसी तरह का बुरा शख्स था? जी जी जी, बड़ा बुरा सी, ये बुरा इस तरह का सी, मेरिया बच्चिया उत्ते बैठिया सी, इस उत्ते चढ़ के ना मकाना दे तो उन्होंने फायर किते ने। अच्छा। उन्होंने फायर इस किते, ये पहले कुछ साल 6 महीने की गल है, मैनू बच्चिया आख्या, मैं उतो लगे हेठा लत्था से मैं थले आया तो उन्हें घर बुआ खड़काया, उनकी अम्मी जी वो आई तो उस आख्या की गल, मैं आख्या इस फायर किते ने, बच्चिया किस वजह तो किते ने,
इन रोक नहीं सकते घर क्यों एक्सपायर किए ने हो सकता जी एक बार इन्हों माफी दे दो अगे नहीं करता ओदू पिछे की गल ए जिस आए बच्चे फायर होया ना मैं उत्तू लत्थां बज के जिस माया बजे देंदे भी यासीन जरा ना दाड़ी वाला यासीन फायर मार गया यासीन मैं उत्तू बजिया आगा आया तो चोर चुकते ले जाते हथा उत्ते चुकते ले जाते मैं इतने वेख्या भी बच्चा फौत हो गया है इंसान ने बहुत ज्यादा की है इस बच्चे नाल बच्चा शरीफ आदमी जी जी पहले जानते इसका किरदार बहुत गलत है इस आदमी आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं इसको मिलके में जी उसको मकान अपना से कैसे निकालते अच्छा पुलिस के पास भी कोई नहीं गया आप लोगों में से कि ये इस तरह का क्रिमिनल बंदा यहाँ रह रहा है जी नहीं पहले बच्चे ने मारे अच्छा मैं गया पुलिस ने फिर छोड़ दिया यानी कि आप सब लोग आप लोग तंग थे उस बंदे से आप लोग तंग थे उससे पहले भी तंग थे यहाँ पे तंग थे आप लोग सारे इंसाफ के लिए हाँ जी इंसाफ चाहिए बिल्कुल जरूर चाहिए सजा क्या होनी चाहिए उसको मौत होनी चाहिए सजा मौत होनी चाहिए अच्छा जल्द तो जल्द और कुरान पाक का जो अरशाद है सच्ची गवाही ऐसी दे रहे हैं कि वो जालिम है उसके खिलाफ जरा ना उसको सजा होनी चाहिए मैं चौकी गया तो बाद जो फैर करता सच्ची गवाही है अच्छा हाँ जी हाँ जी फिर ओनु मल्याले ने रखया भी ओ तो इथे आया नहीं तू क्यों फेर उसके पास क्या पिस्टल अपना था नहीं जी नजायज पिस्टल नजायज रखा पहले भी वारदात करदा सी कर दे अच्छा अगर इना दे बच्चे नाल होई है साडे नाल भी ओ कर सकदा है इना दे नाल नहीं किसी हां जी उस बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा बंदे नु ए फौरी तौर असि ए आंदे आ फौरी तौर जिमे फज्या उससे टाइम इनु गोली दा डर होना सी उससे आप लोग जानते हैं हां जी कैसा है ये बहुत खतरनाक बंदा है खतरनाक बंदा है क्यों क्रिकेटिंग डुकुटिंग करता है फायर मारा है आप फांसी चाहिए अच्छा जी एक मासूम बच्चे चोरी भी करता जी अच्छा आपने कभी देखा इसको करते जी कभी रात नु 12 बजे आंदा है कभी 1 बजे आंदा है अच्छा आप कुछ बता रहे थे तीन पिस्टल थे आपने देखे थे आप भी यहीं पे रहते हो अच्छा साथ ही घर है तो तीन पिस्टल कहाँ से लिए थे कोई पता था आपको मिट्टी थे मिट्टी में दबाए हुए थे मिट्टी में दबाए हुए थे आपने खुद देखा था किस जगह पे दबाता था वो अंदर घर के अंदर अच्छा नाजरीन बड़े तो बड़े बच्चे भी सहमे हुए हैं और बच्चे ने देखा कि ये इस कदर क्रिमिनल इंसान था कि इसने तीन पिस्टल जो थे उनको घर में इलीगल रखा हुआ था और ये उनको छुपाता था मिट्टी के अंदर साथ ही घर है तो तीन पिस्टल कहाँ से लिए थे कोई पता था आपको मिट्टी थे मिट्टी में दबाए हुए थे मिट्टी में दबाए हुए थे आपने खुद देखा था किस जगह पे दबाता था वो अंदर घर के अंदर अच्छा नाजरीन बड़े तो बड़े बच्चे भी सहमे हुए हैं और बच्चे ने देखा कि ये इस कदर क्रिमिनल इंसान था कि इसने तीन पिस्टल जो थे उनको घर में इलीगल रखा हुआ था और ये उनको छुपाता था मिट्टी के अंदर।